You all doing? Hello students, am I audible and visible to all of you? Good evening, everyone. Today we are going to do Forest and Wildlife Resources in one shot. This is a very scoring chapter. Let me all tell you. And इसमें बहुत सारा कुछ delete भी हो गया है, तो ये अपने आपे बहुत ज़्यादा scoring chapter है, easy chapter है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, then हम इस particular session के अंदर बहुत सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर पे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे एमसीक्यूज भी करेंगे तो वन शॉट में ही आपका सब कुछ कवर होने वाला है इस चैप्टर के अंदर ठीक है ओके 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 गाइस चलो मैं फटाफट से वीडियो शेयर कर देती हूँ सबके साथ सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन एंड लेट्स बिगिन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज Hi Tanu, hello Ruchika, hi Anime. I hope you people are doing really well, guys. Audible and visible? Okay, hello, hello Apsar. Hi Sufia, hi Sunny, hi Ravi, hi Tanu. Hello everyone, good evening, good evening. Hi Hari Priya, hello Ravi. तो बच्चों फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्चुअली फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और कई ज़माने पहले uh, से ही हम जंगलों में ही रहते आए हैं राइट ह्यूमंस वर एक्चुअली हंटर्स एंड ग्रैदर इनिशियली और हमेशा से हम जंगल में रहते आए हैं तो जंगल ऑब्वियसली बहुत फ़ायदेमंद होगा तभी तो जंगल में रहते थे हम्म hmm. तो आज इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं फॉर ऑल आर न्यू आई एम रश्मि सिंह योर टीचर आर एस वाई इज़ माई कोड आई एम टीचिंग यू ऑल लाइफ फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड इफ़ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर अभी मैं जहाँ से पढ़ा रही हूँ वो नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चों आर एस वाई टी असिस्टी यही मेरा जो सब आपको पता ही है मेरा नाम रश्मि सिंह योर टीचर आर एस वाई टी मेरा कोड है तो बस आप आर एस वाई टी सर्च करोगे मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा भी ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है तो भैया आर एस वाई टी कोड लगाना मत भूलो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है ना अकेडमी के ऊपर एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश मैथ्स एंड सोशल साइंस ओके 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 बेटा ओके सूफिया ग्रेट तो चलो शुरू करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सबसे पहले बता देती हूँ चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है क्या क्या चीजें ड्रॉप हो गई हैं सिलेबस में से तो सिलेबस में से ना बच्चों ये वाला जो पूरा का पूरा पेज है यहाँ तक हिमालयन यू तक ये सब ड्रॉप्ड है इसके बाद कुछ ना फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजर्वेशन था वो भी ड्रॉप हो गया है हमें कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से पढ़ना है ठीक है सो बेसिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हमें कंजर्वेशन वाला पार्ट ही पढ़ना है क्लियर है ओके okay. सो so, सबसे पहले कुछ टर्म्स है वो समझ लेते हैं ओके okay? चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स जैसे इको फ्लोरा फोना बायोडाइवर्सिटी अगर आपने इनमें से कोई सा भी वर्ड सुना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फोना बायोम ये सब वर्ड अगर सुना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो हाई आर पी एर इट्स इट्स ओके इफ़ यू डू नॉट हैव द बुक ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वाइल्ड लाइफ अब इको सिस्टम क्या होता है आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे जिसमें सिस्टम आता है सिस्टम वर्ड आता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको सोलर सिस्टम ऐसे और कोई वर्ड बताओ जिसमें सिस्टम वर्ड आता है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसे और कोई वर्ड्स बताइए जिसमें सिस्टम वर्ड आता है बताओ ऐसा कोई वर्ड जिसमें सिस्टम वर्ड आता है जैसे कि बायो में तुम पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ऐसा और बताओ म्यूजिक सिस्टम तो जहां पर सिस्टम आ गया ना बेटा वहां पर इंटरडिपेंडेंसीज तो होंगी होंगी बिकॉज सिस्टम का मतलब ही है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ठीक है तो ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम क्या है इट्स अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कॉम्पोनेट्स का एक कंजंक्शन है यहाँ पर एक इंटरडिपेंडेंस है ठीक है हम सिर्फ अकेले लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं जीत सक, सकते जी सकते हैं राइट हाय हाय आर्यन एंड जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंस हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो सो इको सिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेट्स ऑफ द एनवायरमेंट लाइक एयर वाटर मिनरल इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है हम लोग ठीक है इस सिस्टम में सोलर रेडिएशन भी आ गया वाटर भी आ गया लिथोस्फेयर भी आ गया हाइड्रोस्फेयर भी आ गया सब कुछ आ गया ठीक है ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इको सिस्टम का अनडाउटडली ह्यूमन बींग्स ही एक्चुअली इको सिस्टम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं ठीक है बट कई बार हमारा जो ग्रीड होता है उसकी वजह से हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है इसीलिए कुछ प्लांट्स एनिमल एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं नाउ बायोडाइवर्सिटी अब देखो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है बायो प्लस डाइवर्सिटी बायो का मतलब क्या होता है लाइफ डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है ठीक है सो वराइटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट इज बायोडाइवर्सिटी ठीक है सो इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल मरीन

ह्यूम्स हैं ऐसे ही एप्स हैं ऐसे ही जानवर हैं ऐसे ही फिशज हैं एंड पूरे इको सिस्टम में भी बहुत सारी वरायटी हो सकती है बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन मैनेज सिस्टम हो या कोई नेचुरल इको सिस्टम हो ह्यूमन मैनेज इको सिस्टम मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या फिर आपका कोई एक्वेरियम ही क्यों ना हो घर के अंदर जो एक्वेरियम बनाते हैं वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ठीक है हाई यामिनी ओके ऐसे ही नेचुरल इको सिस्टम में तो बायोडाइवर्सिटी होगी ही होगी ह्यूम एक्शन जो है वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं और एक बहुत बड़ा बायो सिस्टम इको सिस्टम जो होगा उसको हम बायोम कहेंगे ठीक है अब बताओ उसका आंसर क्या होगा डैश इज द इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ कल्टिवेटेड स्पीसीज डाइवर्स इन फॉर्म फंक्शन बट क्लोजली रिलेटेड टू द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज किसके बारे में बात कर रहे हैं वट इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ कल्टिवेटेड स्पीसीज

दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू आर इनसेंसिटिव फिट टूवर्ड्स एन्वायरमेंट मतलब हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए एन्वायरमेंट की तरफ कि हमने जानवरों को भी स्ट्रेस में डाल दिया है ना और पौधों को भी स्ट्रेस में डाल दिया है तो हम एनिमल्स प्लांट्स सबको स्ट्रेस में डाल रहे हैं विच इज़ नॉट गुड तो यानी कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए थोड़ी सेंसिटिवली हमें करनी चाहिए सो दैट हमारे प्लांट्स एनिमल भी को एग्जिस्ट कर पाए हमारे साथ ह्यूमस के साथ अब बताओ इंडिया के अंदर का कवर कितना है बच्चों वन सिक्स देखो आपने चैप्टर वन में पढ़ा होगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू इट शुड हैव बीन इट शुड तो नहीं है अभी कितना है अभी है ट्वेंटी फोर पॉइंट अब भी जो लेटेस्ट डेटा बुक में दे रखा है वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन थ्री परसेंट है ठीक है नाउ द चैप्टर बिगिन विद द लेपचा फोक सॉन्ग ठीक है लेपचा क्या है एक कम्युनिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में रहती है वेस्ट बंगाल के नदन पार्ट में ओके okay? एंड ये जो लेपचास है ना वो कुछ नेचर की प्रेयर करते हैं नेचर की पूजा करते हैं और नेचर को क्या कह रहे हैं एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं नरक लॉर्ड यू आर द क्रिएटर ऑफ़ द म्यूज़िक इन द वर्ल्ड एक्चुअली बोल रहे हैं भगवान आप जो है हो ना नेचर जो है ना वही म्यूज़िक क्रिएट करती है वर्ल्ड के अंदर ये म्यूज़िक कहाँ कहाँ से आ रहा है तो जो स्प्रिंग्स होती हैं है ना रिवर्स होती हैं इंसेक्ट्स फॉरेस्ट एनिमल इन सबसे एक म्यूज़िक आ रहा होता है ठीक है एंड द फोक्स ऑफ लेपचा ट्राइब दे वॉन्ट टू डेडिकेट ऑल दिस म्यूज़िक टू द नेचर एंड दे वॉन्ट टू गैदर ऑल दिस म्यूज़िक एंड दे वॉन्ट टू ऑफर इट टू द नेचर मतलब ये नेचर से ही सब कुछ मिल रहा है तो सब कुछ नेचर को ही डेडिकेट करना चाहते हैं विच पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया बिलोंग्स टू द लेपचा फोक सॉन्ग बताओ वेस्ट बंगाल मणिपुर असम मिजोरम अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को बच्चों वेस्ट बंगाल सचिन इज सिंह वेस्ट बंगाल ओके सचिन व्हाट अबाउट अदर्स इज द समन बिग फैन ऑफ सचिन इन योर होम येस हरिप्रिया इट्स ए नाउ इंटर डिपेंडेंस इंटर डिपेंडेंस मीन्स वॉट सीधे इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो अवॉर्ड इंटर डिपेंडेंस इज ऑल्सो अवर्ड डिपेंडेंस इज ऑल्सो अवॉर्ड राइट जैसे कि एक चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है ठीक है जो एक चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है लेकिन वही अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर राइट वो एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं आया समझ में तो ऐसे ही वी शेयर दिस प्लानट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स हम बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं अपने प्लानट को शेयर कर रहे हैं वी ह्यूमन्स अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ है इकोलॉजिकल सिस्टम का और हम लोग सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है दिस इंटायर हैबिटेड दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी हम सब आपस में बहुत ज्यादा इंटर डिपेंडेंट है बच्चों और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है किसमें हमारे नेचर में एक मिनट हा ओके नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है जब इतना सारा जंगल है और जंगल तो हम रोज़ रोज जाते भी नहीं हैं भाई है ना जानवर भी हमारे तो दिनचर्या में यूज़ में नहीं आ रहे हैं क्या ज़रूरत है इसीलिए सो दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे ठीक है जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे देखो बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हमारे इको में हमारे अटमॉसफेयर में एक बकरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक माइक्रो माइक्रोआरगैनिज़म और जितना कि एक हाथी और जितना कि एक शेर और जितना कि एक ह्यूमन्स हम सबका कुछ इंपॉर्टेंस है दैट इज़ वाई वी एग्जिस्ट हम सबका एग्जिस्टेंस कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करके बैठा है कुछ सिग्निफिकेंस है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगी तो इकोलॉजिकल अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा ठीक है इम्बैलेंस हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द वाटर एयर एंड सॉयल सो वी नीड टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सो दैट वी कैन प्रिजर्व द वाटर एयर सोइल एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे तुमने देखा होगा आज के टाइम पर कौन से दो क्रॉप्स हैं जो सबसे ज्यादा दुनिया में लोग खाते हैं बताओ वॉट आर द टू मेन क्रॉप कंज्यूम्ड बाई द ह्यूम दो मेन क्रॉप्स कौन सा हम खा रहे हैं आज के डेट में आई थिंक तुम सब लोग यही बोलोगे राइस एंड वीट ठीक है बट ये दो मेन क्रॉप ही अगर हम सॉइल पे उगाते रहेंगे तो सॉइल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डिफ़िशेंट हो जाएगा ना गेस और नो पुराने जमाने में सेवन हंड्रेड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते थे जो कि लोग खाते थे डे टू डे की लाइफ में आज के टाइम पर ये सेवन हंड्रेड वेराइटी से कितना हो गया है वन फिफ्टी ठीक है वन फिफ्टी वराइटी ऑफ क्रॉप्स ही अभी हमारे पास है जो हम मतलब मोस्टली ग्रो कर रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें ओट्स भी आ गया बार्ली भी आ गया ज्वार बाजरा रागी ये सब सबको तुम कैलकुलेट कर लो तो सो जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर नहीं रहेंगी ना तो बेटर ग्रोथ नहीं हो पाएगा प्लांट्स स्पीसीज़ का सो so, एग्रीकल्चर के अंदर हम आजकल ट्रेडिशनल क्रॉप वराइटीज दिखा रहे हैं उससे उस हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को ठीक है तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अब कंजर्वेशन करने के लिए हमने क्या करा हमने कंजर्वेशन करने के लिए नाइनटीन सिक्सटीज़ एंड नाइनटीन सेवेंटीज़ में है ना नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया ठीक है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो नाइनटीन सेवेंटी टू में पास किया गया और बोला गया कि भाई हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है किसके हैबिटेट्स को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के हैबिटेट को हमें प्रोटेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक है किसके लिए पर्टिकुलर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कि टाइगर है वन हॉर्न राइनासरस है कश्मीर स्टैग है हंगुल है क्रोकोडाइल की तीन वैरायटी पाई जाती है हमारे देश के अंदर ठीक है दैट इज़ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल घरियाल इन सब के लिए क्या किया हमने एक बेसिकली इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए ठीक है थीके? इंडियन एलिफेंट ब्लैक बग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हम फुल एंड पार्शियल हमने बैन लगाया है इनकी हंटिंग पे मतलब इनको हंट नहीं किया जा सकता प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और इससे हमारा एक ही मतलब पूरे वर्ल्ड में ये लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट था ये एंड हमारा यही पर्पज था कि इससे हम लोग टाइगर के जो नंबर्स हैं जो डिक्लाइन होते जा रहे हैं उसको बचा सके सौ साल के अंदर पता है टाइगर का जो नंबर है वो फिफ्टी फाइव थाउजेंड से वन एट टू सेवन हो गया मतलब थ्री परसेंट ही सिर्फ बच गया आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट इन द हंड्रेड इयर्स हंड्रेड ईयर्स में टाइगर का पॉपुलेशन नाइनटी सेवन परसेंट रिड्यूज हो गया तो सोचो अगर ह्यूम हंड्रेड ईयर्स में रिड्यूज हो जाते हैं सेवन परसेंट खत्म हो जाते और तीन परसेंट ही बचते तो कैसा लगता हमें <laughs> तो टाइगर के पॉपुलेशन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसका मेजर थ्रेट क्या था बेटा पोचिंग एंड हंटिंग जो कि टाइगर के स्किन के लिए बोन के लिए किया जाता है टाइगर के जो बोन्स हैं वो बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं ठीक है और दूसरा प्रॉब्लम क्या था टाइगर का नंबर क्यों कम हो रहा था बिकॉज उनका जंगल ख़त्म होता जा रहा था उनका हैबिटेट श्रिंक होता जा रहा था ठीक है इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम क्या है जो वो शिकार करते हैं ना मतलब जो भी उनका प्रे होता है उसका भी नंबर कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया नेपाल दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग होती थी सबसे ज़्यादा पोचिंग होती थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टू थर्ड ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन यहीं पे है और यहीं पे सबसे ज़्यादा पोचिंग भी हो रही है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा मतलब हमने नाइनटीन में ये स्टार्ट किया था लगभग तीन डिकेज में नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया टाइगर्स के, ठीक है तो कौन सी सरकार ने भाई लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट्स? बताओ जल्दी जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट किसने लॉन्च किया था हम्म यस, लेट मी सी योर कमेंट्स येस आदित्य देर वॉज ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा हरिप्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन श्रिंग हैबिटेड ग्रोइंग्यूमन पॉपुलेशन पोचिंग ऑफ ट्रेड और

लॉन्च हुआ था बच्चों? <laughs> में, Absolutely correct, guys. Well done. अब Indian Wildlife Protection Act आपको पता है है? 1972 लॉन्च हुआ था, ठीक इसका मेजर पर्पस था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और बायोडाइवर्सिटी मतलब सब कुछ हो गया ना प्लांट एनिमल इंसेक्ट्स ह्यूमंस सब कुछ हो गया बायोडाइवर्सिटी मतलब एवरीथिंग कम्स इनसाइड इट सबको ही कंजर्व करना है तो अब बायोडाइवर्सिटी लेकिन अचानक से एक साथ तो आप सब कुछ नहीं कर सकते तो इनिशियली एक्चुअली गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन एनिमल्स फिर हमने धीरे धीरे क्या करा उसमें प्लांट को भी ऐड किया अब नाम से ही समझ आ रहा ना, है ना वाइल्ड लाइफ ठीक है सो so, ये 1972 में पास हुआ था इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज का लिस्ट था इनके ऊपर बैन कर दिया गया था हंटिंग से लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था इनके हैबिटेट्स को और ट्रेड में भी रेस्ट्रिक्शन करा दिया गया था नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी बनाए गए पूरे कंट्री के अंदर जहाँ पर बेसिकली अब गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी पूरे फॉरेस्ट को एंड इलीगली वहाँ पर हंटिंग वंटिंग कुछ भी नहीं की जा सकती है

इनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया तो इन लोगों को बिल्कुल भी मतलब इनके स्पीसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको और पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना है 1991 में कुछ प्लांट्स को भी डाला सिक्स स्पीसीज प्लांट्स भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था बताओ एब्सोल्युटली करेक्ट 1972 चलो ये मैच तो फॉलोइंग करो बेटा कॉर्बेट नेशनल पार्क सुंदरबंस नेशनल पार्क बंधवगढ़ नेशनल पार्क मानस टाइगर रिजर्व आसाम मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल उत्तराखंड उत्तराखंड बेसिकली देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में ठीक है सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा पता ही होगा तुम लोगों को वेस्ट बंगाल बंधवगढ़ इज इन मध्य प्रदेश एंड मानस टाइगर रिजर्व इज इन असम सो इसका आंसर हो जाएगा बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेरिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड मध्य प्रदेश राजस्थान केरला उत्तरांचल Padia Tiger Reserve is in Kerala. Which of the following species have been added to wildlife protection protected species under 1980-86? Beetles, moth, butterflies, all of the above. Beetles, moth, butterflies, all of the above. So the answer is all of the above. इन विच द प्लांट्सोडेड स्पीसीज लिस्ट प्लांट भी ऐड हो गए कब हुए देखो 1986 1986 में 1986 में को किया, 1972 से तो हम वाइल्ड लाइफ ही कर रहे थे प्रोटेक्ट फिर प्लांट को कब ऐड किया है प्लांट को ऐड किया बेटा नो वट आर द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स देखो बच्चों हमने ऑलरेडी क्लास नाइन में भी पढ़ा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ना वहाँ पर हमने फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया था ऐसे थॉर्न फॉरेस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जो भी है अब हम लोग जो फॉरेस्ट को क्लासीफाई करेंगे दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूट फॉर द कन्जर्वेशन पर्पज़ ठीक है अब देखो फॉरेस्ट को कंजर्व करना फॉरेस्ट को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है ठीक है बहुत डिफ़िकल्ट है कभी तुमने घर देखा है घर को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है घर के अंदर किचन भी है है ना गेस्ट रूम भी है तुम्हारा लिविंग रूम भी है बेडरूम्स भी हैं और स्टोर रूम भी है गैरेज भी है देन वी हैव वॉशरूम आल्सो तो इतने छोटे से घर को मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है जिसमें इतने सारे मेम्बर्स रह रहे हों यही अगर घर जॉइंट फैमिली है बहुत सारे मेम्बर्स हैं तो फिर और भी डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना अब तुम सोचो फॉरेस्ट फॉरेस्ट इतना डाइवर्स है उसमें कितने सारे जीव जंतु रह रहे हैं है ना कितने सारे प्लांट एनिमल सब रह रहे हैं प्लस इतने सारे लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है ट्राइबल लोग हैं गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को भी फॉरेस्ट से काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलता है बहुत सारे बिजनेस वगैरह हैं जिनको इंडस्ट्रिस्ट है जिनको रॉ मटेरियल वहाँ से मिलता है एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो फॉरेस्ट को बचाने में लगे हुए हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं जो वहीं रह रही हैं सो दे आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स मतलब हिस्सेदार बहुत सारे हैं तो इतने सारे हिस्सेदार होने की वजह से उसका ध्यान रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तो इसीलिए इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को ओन और मैनेज कौन करती है गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ही क्या करती है देख रेख करती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको स्टेट्स में भी मिलेंगे सेंट्रल लेवल पे भी मिलेंगे ठीक है हाँ जी ऐसा है तो हमने फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड क्लास अब देखो कभी तुम ट्रेन में ट्रेवल किया तुम लोगों ने कौन सी सीट का रिजर्वेशन होता है अच्छी वाली सीट्स का होता है या जो एकदम जनरल वाली सीट होती है उसका होता है सेकेंड सेकेंड क्लास होता है जनरल कैटेगरी होती है स्लीपर होता है फिर फर्स्ट थर्ड ए सी सेकेंड ए सी फर्स्ट ए सी ऑब्वियसली जो अच्छी अच्छी सीट्स होती हैं उसी का तो रिजर्वेशन होता है ना जनरल वाले में थोड़ी कोई रिजर्वेशन लगता है वहाँ तो नॉर्मल टिकट लो और खड़ी चढ़ जाओ उस डब्बे पे बहुत भीड़ भाड़ भी होती है तो ऐसे ही फॉरेस्ट में रिजर्वेशन कौन से फॉरेस्ट का है जो सबसे यूजफुल फॉरेस्ट है ठीक है और हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है काफ़ी यूज़फुल है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिज़र्व फॉरेस्ट रिज़र्व कर दिया उसको फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को ठीक है ये बहुत वैल्यूएबल है और इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है रिजर्व है इसमें जो पर्टिकुलर यूज़ होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही ये फॉरेस्ट को यूज़ किया जाएगा जैसे रिजर्व सीट का यूसेज तुम ही कर सकते हो ना कोई भी आते जाते तुम्हारी सीट पे थोड़ी बैठ सकता ऐसे ही ये रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है हमारी सरकार ने फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा फॉरेस्ट को रिजर्व कर रखा है और उसका यूसेज गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के ही कर सकते हो ऐसे ही नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये वन थर्ड है मतलब थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट ऐसा है इसमें फर्दर डिप्लेशन नहीं हम लोग अलाउ कर सकते हैं ठीक है कोई फर्दर डिप्लेशन इसमें नहीं किया जा सकता है यस yes, बेटा बिल्कुल एंड लास्ट वाला फॉरेस्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो कि लगभग सेवेंटीन परसेंट रहेगा और ये क्या होता है इट इज़ लाइक ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है अगर आप लोग मेरी टेलीग्राम पे हो तो मैंने एक फ़ोटो भी शेयर किया था कि कुछ साल पहले कोविड के बाद मैं घूमने गई थी तो हम लोग जब गए थे घूमने मसूरी देहरादून सो वी वेंट टू वन कपल एक अंकल आंटी थे उनके घर हम लोग घूमने गए थे जिनके घर में ही म्यूजियम था ठीक है और उनके घर के पीछे उनका खुद का फॉरेस्ट था ठीक है सो दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो फॉरेस्ट होता है इट इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट अब वहां पर भी आप कंजर्वेशन आपको वहां पर भी करना पड़ेगा भले वो आपका प्राइवेट फॉरेस्ट ही क्यों ना हो बट गवर्नमेंट भी उसको देख रेख करेगी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लगेंगे ऐसा नहीं कि आपका फॉरेस्ट है तो आप सारे ट्रीज काट दोगे ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात में आपको बहुत सारे ऐसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ही ओन कर रहे हैं ठीक है अब बताओ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हैज डिक्लेयर्ड मोर देन हाफ मतलब फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा फॉरेस्ट क्या डिक्लेयर्ड है प्रोटेक्टेड रिजर्व होगा आंसर क्या होगा रिजर्व वेरी गुड आदित्य वन थर्ड थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट क्या हमने डिक्लेयर कर रखा है रिजर्व अन प्रोटेक्टेड नन ऑफ द ब प्रोटेक्टेड वेरी गुड इसमें फर्दर डिप्लेशन नहीं किया जा सकता है अब देखो बच्चों अब ना आप पेन पेपर लेकर बैठ जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ना साथ में हम पर्मानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं एंड इट इज मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा पर्मानेंट फॉरेस्ट मिलेगा सेवेंटी फाइव परसेंट अब कह रहा है रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलेगा भाई ठीक है जम्मू कश्मीर, आंध्र, उत्तराखंड केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र इन सब जगहों पर आपको लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा हमें हमें बनाना पड़ेगा भारत का नक्शा। baninira ie kawato tike तो अब क्या क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर है ना इधर आंध्रा आंध्रा केरला तमिलनाडु सब आ गया है ना ये वाला रीजन जो है कर्नाटका को छोड़ के सॉरी राइज ली उठा एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आई डोंट नो भाई सो अगर आपके पास मैप है तो आप मार्क कर लो जम्मू कश्मीर आंध्रा उत्तराखंड केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में आपको रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश उड़ीसा राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में आपको बहुत सारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलेगा ठीक है चलो भाई अब बताओ आंसर बताओ क्या होगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों कर रही हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट केरला जम्मू कश्मीर तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ऑल ऑफ above. रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा बच्चों रिजर्व फॉरेस्ट आपको मिलेंगे सारी जगहों पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वी फाउंड एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हरियाणा पंजाब बिहार ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव होगा अब आ जाते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन पे मैंने आपको क्या बोला बहुत सारी कम्युनिटीज जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के ऊपर ठीक है तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कम्युनिटी कंजर्वेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर हम एफर्ट्स डालते हैं इज़ नथिंग बट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन विच द लोकल कम्युनिटी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स एज मच एज पॉसिबल मतलब जो लोकल कम्युनिटी है उसकी मदद से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारे घर के बारे में कौन ज़्यादा जानता होगा तुम ही सबसे ज़्यादा जानोगे ना भले मैं बहुत बड़ी अच्छी आर्किटेक्ट क्यों ना हो बट तुम्हारे घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें शायद तुम बेटर जानोगे आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट इन दैट ऐसी जो कम्यूनिटीज़ होती है दे न्यू द फॉरेस्ट रियली वेल तो हम क्या कर रहे हैं आजकल गवर्नमेंट क्या करती है उनको भी इन्वॉल्व करती है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में वी ऑफिन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ कई बार हम इसको इग्नोर कर चुके हैं पहले बट अब हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या हुआ यार अच्छा कैमरा फ्रीज हो गया है Is it working now? I don't know why it's happening. चलो कम्युनिटी कंजर्वेशन का कुछ एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एग्ज़ाम्पल्स सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है ठीक है राजस्थान में उदयपुर वाले एरिया के आसपास है यहाँ पर विलेजेस ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग गए जब वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर दी गई थी एंड दे एक्चुअली प्रोटेक्टेड देयर ओन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने जो भी माइनिंग करने के लिए लोग आए थे उनको बताया कि ऐसा नहीं कर सकते आप ठीक है सो सरिस्का टाइगर रिजर्व में कम्युनिटीज़ ने अपने फॉरेस्ट को बचाया ऐसे ही आप अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में वहाँ पर 1200 हेक्टेयर ज़मीन को खुद लोगों ने भैरव देव डाक सोनचुरी करके डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए वहाँ पर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं ये लोग ठीक है वाइल्ड लाइफ एनक्रोचमेंट्स नहीं अलाउ करते और ख़ुद के रूल्स वहाँ पे फॉलो करते हैं अलवर में भैरव देव डाकर सेंचुरी में ऐसे ही बच्चों हिमालयास के अंदर चिपको मूवमेंट हुआ था वहाँ पर जब ट्रीज़ को कट किया जा रहा था फॉर दैटिंग अपैम डैम बनाने के लिए ट्रीज़ को कट कर रहा किया जा रहा था तो बहुत सारी लेडीज़ जो थी वो ट्रीज़ को ऐसे हक करके खड़ी हो गई और उन्होंने बोला कि नहीं हम ना चिपक चिपक के रहेंगे ये ट्री के साथ अगर आप ट्री को कट करोगे तो हमें भी आपको मारना पड़ेगा ठीक है दिस इज चिपको मूवमेंट फिर इसी तर्ज पे और भी जगहों पर चिपको मूवमेंट हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर देन फार्मर्स जो हैं टेहरी एंड नवदनिया रीजन के अंदर बीज बचाओ आंदोलन किया है इन्होंने आपको पता होगा फार्मर मोस्टली वही क्रॉप ग्रो करना चाहेगा जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा मिले है ना लेकिन यहाँ पर टेहरी और नवदनिया में जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड क्रौ, क्रॉप प्रोडक्शन किया और जब आप डाइवर्सिफाइड प्रोड्यूस करते हो ना तो सॉइल से एक न्यूट्रिएंट जा रहा है तो दूसरा न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा अपने आप नरिश भी हो जाएगा सॉयल उस न्यूट्रिएंट में बिकॉज एक बैलेंस बना रहता है तो डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया इन्होंने विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स एंड एंड इट वॉज एक्चुअली इकोनॉमिकली एक वाइबल ऑल्सो ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना कि आ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ऑनलाइन ऑफ़लाइन मिक्स करके पढ़ो वो एक्चुअली में ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए बट कई बच्चे नहीं ट्राई करना चाहते हैं अब ऐसे ही किसान जो है उनको लगता है ईजी होगा एक क्रॉप उगाना बट यहाँ पर टहरी और नवदनिया के लोगों ने डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस किया और इनफैक्ट उनको फर्टिलाइज़र यूज़ ही नहीं करना पड़ा ओके जब उन्होंने ऐसा क्रॉप लगाया तो इंडिया इंडिया के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है यहाँ पर क्या करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट ऑलरेडी ख़राब हो चुका है बर्बाद हो चुका है उनको क्या करते हैं वापस से हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करते हैं 1988 में उड़ीसा रीजन में ऐसे ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया था और फॉरेस्ट को वापस से रिवाइव किया गया था सो so, किच किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ राजस्थान के अंदर बेटा भैरव देव डाकअ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था बता धोलपुर अलवर बारमेर नन ऑफ दब जल्दी जल्दी से बताइए सो इट हैपेंड इन अलवर वेरी गुड हरिप्रिया बहुत अच्छा ऐसे ही बच्चा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का विच इज़ सेक्रेट ग्रुप्स आपको भी पता है हमारे यहाँ पे ना कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनका बहुत सारा रिलीजियस वैल्यू है, है ना एंड उसकी पूजा की जाती है मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं तो सेक्रेड ग्रुप्स एक कन्वेंशनल वे है बेटा नेचर को प्रिजर्व करने का पुराने ज़माने से ही जो हमारे यहाँ के ट्राइब्स हैं लोग हैं वो क्या करते हैं डे टू डे की लाइफ में कुछ पर्टिकुलर ट्रीज़ की पूजा करते हैं है ना सो so, द इट इज़ अ वे टू प्रिजर्व द नेचर एंड एकजी बाई लोकल पीपल इन विच इंटरवाइंड विद दियर रिलीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसज इसको हम लोग रिलीजन के साथ कल्चर के साथ जोड़ देते हैं और क्या करते हैं पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करते हैं रेयर एंड एंडेमिक स्पीसीज आर कंजर्व थ्रू सेक्रेड ग्रूप्स जैसे मुंडास जो हैं सांथाल रीजन के मुंडा एक ट्राइब है सांथाल भी एक ट्राइब है छोटा नागपुर रीजन के ये लोग महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं ठीक है ऐसे ही ट्राइबल ओडिशा और बिहार के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों इमली के पेड़ की पूजा करते हैं मैंगो के पत्तों की पूजा करते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग्स शादियों में तुमने देखा होगा कलश में ऐसे पत्ते वत्ते लगे रहते हैं ना? Then, है, है ना देन कॉमन पीपल जो है बेटा कमर्शियल फार्मिंग करते हैं ना अन्नदाता तो है ही वो <laughs> कॉमन पीपल जो हैं पूरे इंडिया में पीपल और बैनियान लीव्स की पूजा करते हैं आप भी बताओ अगर कोई ऐसे लीव्स की ऐसे कोई प्लांट की आपके यहाँ पे पूजा होती है तो बताओ मुझे जैसे मेरे घर पे तुलसी जी की पूजा होती है थर्सडे को ना केले के पौधे की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग एंड ऐसे uh, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी पूजा की जाती है सो मुंडाज एंड सान्थाल ऑफ डैश रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्ब

So during wedding, which movement is started in India to protect and conserve the forest? छिपको मूवमेंट यस हरी प्रिया एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बेटा तीन रीजन बताना है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ठीक है बायोडाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर रीजन परसिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे तो वो कितने सारे इंसेक्ट्स का एनिमल का प्लांट्स का सबका हैबिटेट है ना तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए भी हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट बहुत सारा प्योर एयर देता है हमें जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टेबल रखता है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग टास्क गिव टू रीजन ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक फैमिली रह रही हो एक घर में उसको आ, मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है अगर जॉइंट फैमिली है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फॉरेस्ट इज़ लाइक जॉइंट फैमिली ओनली क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग रह रहें बहुत सारे तरीके तरीके के जानवर है ना पेड़ पौधे एवरी थिंग इज़ देयर सो दे आर मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज स्टेक होल्डर्स हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा सबके हित में काम करना पड़ेगा भले वो जानवर हों पेड़ पौधे हों इंसेक्ट्स हों लोग हों है ना इंडस्ट्रीज वुड कंसीडर फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को तो लगेगा यार यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है तो फॉरेस्ट को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए इसको काट दिया जाए है ना बट एक्चुअली में अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा मैम इफ अ फार्मर इज़ अ बिजनेस मैन देन वाई वी कॉल हिम अन्नदाता बेटा बिजनेस मैन इन देंस वर्ट बिजनेस मैन तो है ही ना बिजनेस मैन भी है वो और अन्नदाता भी है सारे फार्मर्स देखो ऐसा नहीं है बिजनेस करने के लिए ही खेती कर रहे हैं बट ऑब्वियसली तुम्हारे घर पे प्लेट में जो खाना आ रहा है वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना तुम अपने घर में तो नहीं उगा रहे हो ना वो एक पूरा का पूरा जो साइकिल ऑफ इकोनॉमी होता है उसमें पूरा ट्रैवल करके आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज दे आर द पार्ट ऑफ दैट बिजनेस ओनली बट एट द सेम टाइम दे आर अन्नदाता दे आर गिविंग द फूड अगर वो खेती नहीं करेंगे तो शायद तुम्हारे प्लेट में खाना आएगा ही नहीं हवा और पानी पीकर तो नहीं जिंदा रह सकते ना हम तो इसीलिए उनको अन्नदाता कहते हैं मेहनत तो वही कर रहे हैं ना यार ऐसे तो तुम बोलोगे मैम टीचर्स तो बहुत फिर बिजनेस मैन ही तो हुए ना वो भी तो ज्ञानदाता नहीं हुए भाई पैसा तो लेगा ना कोई इंसान कुछ भी मेहनत करेगा तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ वी ऑल आर पार्ट ऑफ इकोनॉमी हर चीज में आपको पैसा तो फिर तो हिसाब से हर चीज ही बिजनेस लगने लग जाएगी तुमको ऑफकोर्स वी शुड थैंक दम इट डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज आर कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया तो कुछ एरियाज में लोकल कम्युनिटीज ने क्या किया बेटा खुद ही फॉरेस्ट को और उसके और हैबिटेट्स को बचाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे हमने अभी पढ़ा था सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर विलेजेज ने माइनिंग के अगेंस्ट क्या करा फाइट किया एंड सरस्का टाइगर रिजर्व को बचाया ऐसे ही अलवर में भैरव देव डाकऑफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी थी चिपको मूवमेंट हुआ था हिमालयाज में बीच बचाव आंदोलन हुआ था टेहरी में टूडे एंड जस्ट इन केस इफ यू पीपल है सब्सक्रिप्शन प्लीज गो अड एंड यूज माई कोट आर एस वाई टी बिकॉज when यू यूज़ my कोड आर you are going यू आर गोइंग टू गेट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट बेटा आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का आएगा यू कैन सेव थर्टी फोर हंड्रेड रुपीज़ जबकि प्राइज़ है सेवेंटीन थाउजेंड ऐसे ही वन ईयर का इकोनिक लोगे तो प्राइज़ है थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड बट अभी यू कैन गेट इट एट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटीन एंड यू कैन सेव सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ ऐसे ही टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे प्लस और आइकॉनिक का तो भी आप चार हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये बचा सकते हो टेन के साथ इलेवन ट्वेल्व का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है घर पे कोई छोटा भाई बहन है तो आप छोटी क्लास का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसी में आप एक्सेस कर पाओगे दोनों क्लासेस को ऑफलाइन एडमिशन लेना है देन ऑल्सो यू कैन जस्ट गो एंड फिल द फॉर्म द फॉर्म इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट्स इट इफ यू नीड द नोट्स Make sure that you join the Telegram channel and thank you.